दिनों से हमारे बेगूसराय में सिंगल एक ऐसी लड़की वॉकर थे जो कि बॉक्स एक्सपो देख रही है। जैसा कि मुझे मन से जानकारी मिला है तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपनी बात मन से आप रखें। बेगूसराय के जीडी कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकथाम निवारण पुनर्वास प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। यह प्रशिक्षण में बिहार के कई जिलों से लड़कियां आई हुई थी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगिता भयाना जो कि दिल्ली से आई हुई थी। इस मौके पर महिला कॉलेज की पूर्व प्राचार्य स्वप्ना चौधरी, जीडी कॉलेज के शिक्षक अखिलेश कुमार, नेहा सिंह राठौर सहित कई छात्र एवं छात्राएँ उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज़ के लिए बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बड़े ही आदरभाव के साथ मंच पे हमारे बीच अधिवक्ता के रूप में की कुमारी मनीषा। आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? देखिए, आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था कि प्रशिक्षण तरीब हम और जो हमारे साथ लाइक माइंडेड लोग हैं जो मुद्दे पर जुड़े हैं, ये ऐसा मुद्दा है जो महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं वो कैसे रुके, क्योंकि और अगर कोई पीड़ित हो वो उसको कैसे मदद करें। तो ये दो चीज़ों पर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसको मैं एक तरह से प्रोग्राम भी नहीं बोलूँगी, एक तरह से प्रशिक्षण शिविर कह सकती हूँ या जन जागरूकता अभियान जो हम चला रहे हैं बिहार की धरती पर और बाकी राज्यों में भी। पर बिहार से मैं इसलिए शुरुआत की क्योंकि बिहार से हमारे साथ काफ़ी भाई जुड़े हैं सोशल मीडिया से और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि लगातार बहुत अच्छे जुझारू जो हार्डवर्किंग लोग हैं जुड़ते जा रहे हैं। नेहा राठौर हैं जो बिहार को कॉर्डिनेशन देख रही हैं, साथ में ब्रह्म राज्य भी देख रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे अन्य भाई जुड़े हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा मौका है यहाँ पर ऐसी चीज़ों के बदलाव के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। और अगर हम इनको कॉलेजेस जैसे अभी हम यहाँ पर जीडी महाविद्यालय में हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम युवाओं से बात करें, चेंज मेकर युवा शक्ति करके हमने ये कार्यक्रम रखा है, क्योंकि युवाओं से हम बात करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, क्योंकि उन्हीं से आगे हम फ्यूचर है हमारा। और परी पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करिए। आज हमें मौका मिला, इतनी अच्छी धरती है बेगूसराय की, यहाँ पर आकर जीडी महाविद्यालय में कार्यक्रम हुआ। एंटी रेप के लिए आप लोग काम कर रहे हैं बिहार के खासकर के पीछे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर, अगर कोई घरेलू हिंसा हो या फिर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो वो छिपा दिया जाता है, वो लोग निकल नहीं पाते हैं, पुलिस के पास नहीं जा पाते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हैं, ऐसे लोगों को कैसे समझा रहे हैं या उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप आवाज़ उठाइए? ताकि महिलाओं में वो कॉन्फिडेंस लाना कि वो अपनी बात रखें, और उनके साथ जब गलत होता है तो उन्हें ही दोषी करार दिया जाता है कि वो गलत है, और हम साथ के साथ पुरुषों से भी बात कर रहे हैं ताकि वो भी महिलाओं को सपोर्ट करें और उनको उनकी बात रखने के लिए मौका दें, और लड़कियां भी चुप्पी तोड़ें, लड़के भी सम्मान से रहें, साथ से रहें, अत्याचार ना करें। ये हम दोनों मैटर चीज़ें ज़रूरी हैं, खाली महिलाओं को उनके हक नहीं बताने की ज़रूरत, हक मालूम है पर वो बेचारी क्या करेंगी, ऐसा समाज है हमारा, जो समाज जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा, तो हम उस सोच पर काम करेंगे। फिर छूट गए हैं और उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, उस पर लगातार अगर आप मेरा सोशल मीडिया भी देखें तो हम लगातार जिस दिन ये हुआ उस दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। कल रात भी मैं पूरा अमेरिका के जो चैनल्स हैं उनसे बात कर रही थी क्योंकि वहाँ टाइम डिफरेंस है, तो हम इंटरनेशनली भी